इस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश दिव्यांग कल्याण सभा की बैठक सरकाघाट में हुई। दिव्यांग कल्याण सभा की बैठक सरकाघाट में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश दिव्यांग कल्याण सभा के प्रदेशाध्यक्ष हरिदास प्रजापति ने की। बैठक में दिव्यांगों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में 20 से 25 दिव्यांग शामिल रहे। वहीं प्रदेशाध्यक्ष प्रजापति ने कहा कि दिव्यांगों में जो समस्या आ रही है वह ये है कि दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाया जाए, ये बहुत ही कम है, इसको दूसरे राज्यों की तरह बढ़ाया जाए, और जो बेरोजगार दिव्यांगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उसको भी बढ़ाया जाए। साथ में जो दिव्यांग कर्मचारी हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन्हें घर के नजदीक लाया जाए, और जो दिव्यांगों को नौकरी के लिए 4% आरक्षण दिया है उसे सरकार जल्द से जल्द लागू करे। जो दिव्यांगों के बस पास हैं उन्हें रोडवेज की बसों में भी यूनिक कार्ड की तरह मान्य किया जाए। इन समस्याओं पर चर्चा बैठक में हुई। सभी दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि दिव्यांगों की इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करें। 19 जून 2019 को हिमाचल सरकार द्वारा पंजीकृत है और हमें इसे पूरे हिमाचल में रजिस्टर्ड करवा रहे हैं और जिला इकाइयां और ब्लॉक इकाइयां भी बनाने जा रहे हैं ताकि हमारे दिव्यांग भाइयों को इसका जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, दिव्यांगता लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो शीघ्रता से शीघ्र मिले।